अस्सलामुअलैकुम गाइस, टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट टिंटिनोजेनेसिस, केस की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है, उसमें मेन पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एसईक्यू के लिए वो मैं आज आपको बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको पैटर्न ऑफ टिंटिनो जो है उस तक बता दिया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। सर, टिंटिनोजेनेसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट टू लाइन्स लिखी हुई है कि डेंटिन जो है वो सेल्स जिस सेल से बनता है उनको हम लोग ओडोन्टोब्लास्ट कहते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट होता है फ्रॉम एक्टोबिजन काइमल सेल्स ऑफ थर्ड डेंटल पैपिला। ये जो टू लाइन्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और वाइवा के लिए, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें बतानी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि ओडोन्टोब्लास्ट डिफ्रेंशिएशन जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे और जो हमारे पास फैक्टर्स थे, ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, जो हमने इनर एनामल एपिथेलियम के जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे, वहाँ से आपको याद होगा, आपको जिसमें WNT SHF और IGF ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह की सारी लिस्ट है, जीन एक्सप्रेशंस की, वो सारे जो लिखे हुए हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ओडोन्टोब्लास्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, इन द डेंटल पैपिला। और डेंटल पैपिला सेल्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स वगैरह जो हैं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जब ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम द इनर एनामल एपिथेलियम है ये सेलुलर जोन के जरिए से, ठीक है, और ये कंटेन कर रहे होते हैं कुछ फाइन कोलेजन फिब्रिल्स, ठीक है। तो ये आपको इस लाइन जो है वो पता होनी चाहिए, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जो इनको मैंने मार्क किया हुआ है ये अपनी हेडिंग्स दे रही हैं, और सारी जो लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं वो आपने कर लेनी है, ठीक है। जो इनर एनामल एपिथेलियम है वो रिवर्स करता है अपनी प्रायोरिटी, और फिर जो है वो चेंजेस जो है वो अकर होती हैं इन दैट जैसे डेंटल पैपिला में। उसके बाद एक्टोमिजन काइमल सेल्स ज्वाइनिंग सेलर रैपिडली इन चेंज, वही बात की मतलब कि एलोंगेशन होगी, और फिर जो है वो जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं वो चेंज होंगे, ठीक है, और इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनाइज जो हैं वो उनकी अमाउंट जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, वॉल्यूम जो है साइटोप्लाज्म का वो इंक्रीज करता है। ये जो डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है ये वाली, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसी तरह से आनी चाहिए, ठीक है, ये आपने बनानी सीखनी है और इनको आपने हिस्टो पेंसिल्स के साथ बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है कि हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, ये हमारे पास क्या है डेंटल पैपिला, ठीक है। इसकी बेसल मेम्ब्रेन है, जिस तरह से मैंने पॉइंट्स आप पे लिखे हुए हैं आप भी इस तरह को लिख सकते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। आपने पिछला इसको एक दफ़ा रीड करना है जो सारा लिखा हुआ है, और इन डायग्राम्स के साथ आपने जो है वो अपने पॉइंट्स में लिख लेना है उसको, ताकि जब आप उसको याद करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी क्यू एच भी मार्क्स का आता होता है, तो आपने ये डायग्राम बनानी है और इसके साथ जो है ये पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, जब सेक्रेशन होगी ग्रोथ फैक्टर्स के जरिए से, या फिर जो हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके जरिए से, और फिर माइटोसिस होती है डेंटल पैपिला में, ठीक है। जब डेंटल पैपिला में जो है वो क्या होगी, माइटोसिस होगी तो फ्री जोन से एलिमिनेशन होगी सेल्स की, ठीक है, और इनर एनामल एपिथेलियम और जो हमारे पास इनर एनामल एपिथेलियम की जो लेयर है, यानी कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, हम स्मॉल हो जाते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहती है। लेकिन जब फिर डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे क्या हो रही है, प्री ओडोन्टोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन हो रही है, तो प्री ओडोन्टोब्लास्ट जो है वो बनेंगे किस तरह होगा कि जब कंप्लीशन होती है सेल डिवीजन की और फिर प्री ओडोन्टोब्लास्ट जो है वो बनते हैं, तो जो हमारे पास इनर एनामल एपिथेलियम है वो क्या होगी, इनलार्ज हो जाती है, ठीक है, और उसकी प्रायोरिटी में चेंजेस आती हैं आफ्टर न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है कि जब डिफरेंशिएशन होगी प्रॉपर, तो सेल्स होते हैं इनर एनामल एपिथेलियम के, देखें क्या हो गया, बिकम्स डार्क कोलमनर हो गए, ठीक है, ये चेंजेस आई हैं, डार्क कोलमनर हो जाते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, पहले यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के थोड़ा नज़दीक था न्यूक्लियस, लेकिन आप देखें काफ़ी अवे हो गया, ठीक है, दूर चला गया, तो ये हो जाता है। उसके बाद क्या होती है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर चला जाता है, उसके बाद जो है वो जो हमारे पास प्री ओडोन्टोब्लास्ट है वो फाइनली अब क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट होकर ओडोन्टोब्लास्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। उसके बाद इसके जो नीचे वाली ये लाइंस हैं लिखी हुई ये भी आपने पढ़ लेनी है, और ये वाली जो लाइंस हैं ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, जो मैंने आपको बताई है वही लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ मेंटल डेंटिन। मेंटल डेंटिन की फॉर्मेशन कब होती है, जब ओडोन्टोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन हो जाती है, उसके बाद डेपोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डेंटिन की फॉर्मेशन का फर्स्ट साइन जो है वो पीरियड होता है, ठीक है, वो होता है बाय द वॉन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनके फाइबर्स का डायमीटर कितना होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास वो डेफिनेशन पूछे हैं वॉन ऑफ फाइबर्स क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फाइबर्स हैं जो कि कंटेन करते हैं कोलेजन 3 टाइप 3 एसोसिएटेड विद इनिशियली विद द फाइब्रिन एक्टिन, ठीक है, ये आपको लाइन्स पता होनी चाहिए। बाकी आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ओडोन्टोब्लास्ट जो है वो कंटिन्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्या कहते हैं, इंक्रीज करते साइज से, और प्रोड्यूस करते स्मॉलर कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स, ठीक है। बाकी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, और फिर जो है मेंटल डेंटिन की लेयर जो वो अपीयर हो जाती है। उसके बाद आपने जो पॉइंट्स याद रखते हैं इस पेज में से,
हमारे पास कहते हैं जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्म का डिफरेंशिएट होता है एमीडोप्लास्ट, वेयर सेल कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल मैट्रिक्स, ठीक है ये आपने पढ़ लेना। और उसके बाद पेनिट्रेशन आ जाती है, पेनिट्रेशन में क्या होता है, पेनिट्रेशन जब होती है तो बेसल लैमिना और इंटरपोजिस सेल्स जो है ये क्या होता है बिटवीन द सेल्स ऑफ एनियन एमिथीलियम, यानी कि पेनिट्रेशन जब होगी बेसल लैमिना और इंटरपोजिस सेल्स किसकी सेल्स के दरमियान, ठीक है तो क्या होगा कि इनेमल स्पिंडल्स जो है वो फॉर्म होंगे, इनेमल स्पिंडल्स जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये डेफिनेशन जो है वो इनेमल वाले चैप्टर में लिखी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं आपने पढ़ी होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एंडोप्लास्ट जो है फॉर्म करते हैं प्रोसेस, ठीक है और बर्ड्स ऑफ द और उसमें जो मैट्रिक्स वेसिकल्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, उसके बाद इन्होंने टॉम्स फाइबर्स के बारे में बताया कि एक एक लाइन है ये आपने हेडिंग देते जाना है और साथ में एक एक लाइन लिखते जाना है, ठीक है मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ऐसे को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आपने मिनरल फेस, मिनरल फेस की आपने हेडिंग दी और उसके अंदर ये आपने पहली लाइन लिखी है, उसके बाद आपने क्रिस्टल ग्रोथ रैपिडली यहाँ से स्टार्ट करके तो मैट्रिक्स तक लिखना है, ठीक है जो मैंने लाइन अंडरलाइन की हुई है आप भी ये लाइन अंडरलाइन कर लें, ऐसी क्यों आपने इस तरह से हेडिंग्स देके लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्री डेंटीन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है उसके अंदर जो लाइन लिखी हुई है कि ये प्री डेंटीन जो है ये हमेशा जो है वो फाउंड होती है बिटवीन द ओडोन्टोब्लास्ट एंड मिनरलाइजेशन फ्रंट, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है और ये भी आपने प्री डेंटीन की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद इसके नीचे हेडिंग दे देती है। उसके बाद आफ्टर मिनरल सीडिंग नॉन प्लाज्मेटिक प्रोटीन जो प्रोड्यूस होती है बाय द ओडोन्टोब्लास्ट और प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन रेगुलेट द मिनरल डेपोजिशन, ठीक है इसका रोल है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है आफ्टर मिनरल सीडिंग की आपने हेडिंग दी और इसमें ये तीन लाइंस आपने लिखनी है। उसके बाद इसका डेंटीन का ये जो लिखा हुआ है डायमीटर लिखा हुआ है ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है ये एमसीक्यूज़ में जो मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद आगे जाते हैं सॉरी वेस्कुलर सप्लाई, ठीक है वेस्कुलर सप्लाई में क्या है कि ड्यूरिंग डेंटिनोजेनेसिस ये जो लाइंस लिख रही है ना यहाँ से व्हेन मेंटल डेंटिन फॉर्मेशन बिगेंस ये आपको बताना चाहिए, जब मेंटल फॉर्मेशन मेंटल डेंटिन की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है तो कैपिलरीज जो है वो किधर फॉर्म होती हैं बीनीथ द न्यूली डिफरेंशिएटेड एंडोप्लास्ट, लेकिन जब सरकम पल्पल डेंटिनोजेनेसिस शुरू होगी तो क्या होगा कि आप जो कैपिलरीज हैं वो माइग्रेट कर देंगी एंडोप्लास्ट सेल्स में और उसके बाद जो है यहाँ क्या होगा कि इंक्रीज एक्सचेंज आएगा और जो जब कंप्लीशन हो जाएगी डोंटोब्लास्ट सॉरी डेंटिनोजेनेसिस की तो रिपीट फ्रॉम द डोंटोब्लास्ट लेयर एंड द एंडोथेलियल लाइनिंग वंस अगेन बिकम कंटीन्यूअस, तो यानी कि पहले मेंटल डेंटिन की फॉर्मेशन फिर सरकम डेंटिन की फॉर्मेशन में जो है वो जो हमारे पास कैपिलरीज हैं वो कह जाती हैं ओडोन्टोब्लास्ट पे आ जाती हैं सेल्स के दरमियान। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल ऑफ मिनरलाइजेशन, कंट्रोल ऑफ मिनरलाइजेशन जो है इसका वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंपॉर्टेंट है, इनेमल का भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मिनरलाइजेशन ये जो पहली दो लाइंस लिखी हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और जब आपने एसीक्यू स्टार्ट करना है तब भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है तो इसमें आपने लिखना है कि जो ये अचीव होती है बाय द डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है इनिशियली इन द मैट्रिक्स वेसिकल एंड देन इन द मिनरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं एल टाइप के इन द वेसल लैमिना मेम्ब्रेन ऑफ द ओडोन्टोब्लास्ट इन द सेंस जब ये ब्लॉक होंगे तो मिनरलाइजेशन जो डेंटिन की परफेक्ट होगी, ठीक है और जो प्रेजेंस होती है एल्कलाइन फॉस्फेट एक्टिविटी और कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के डिस्टल एंड ऑफ द सेल्स वो क्या करते हैं सेलुलर डेपोजिशन इम्प्लांटेशन में जो वो इन्वॉल्व होते हैं द ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ द मिनरल इन द फॉर्मिंग द डेंटिन लेयर, तो ये वाली जो लाइन्स हैं आपने यहाँ से कैल्शियम चैनल्स लेकर डेंटिन लेयर तक याद रखनी है और फर्स्ट ऑफ ऊपर से जो ये दो लाइन्स हैं आपने याद रखनी है तीन, ठीक है बाकी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। उसके बाद आगे जाता है पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन, पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूकेएस में दो प्रोसेसेस हैं, एक हमारे पास आ जाता है ग्लोबुलर और एक हमारे पास आ जाता है लीनियर कैल्सिफिकेशन, ठीक है जो हमारे पास ग्लोबुलर और लीनियर कैल्सिफिकेशन है, ठीक है ये आपने पढ़नी है कि ग्लोबल कैल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होती है इन द डेपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है और उसके बाद हेट्रोजीनियस कैप्चर इन क्लोजीनियस आपने पढ़ लेना है और उसके बाद जो ग्लोबुलर मैसेज जो है फॉर्म इन द लार्ज जैसा आपने पढ़ लेना। उसके बाद मिनरलाइजेशन जो है वो बेस्ट इन द मेंटल डेंटिन रीजन और जो सर्कमपल्पल डेंटिन में मिनरलाइजेशन फॉर्म जो वो प्रोग्रेस करता है अबव द इन अ ग्लोबुलर और लीनियर पैटर्न, ये एमसीक्यू के लिए दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट हैं कि जो डेंटिन मेंटल डेंटिन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद सर्कमपल्पल डेंटिन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है व्हेन द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डेंटिन स्लोली मिनरलाइजेशन अपीयर इन यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है ये जो है ये प्रोसेस ये क्या है लीनियर की इसकी डेफिनेशन है और ग्लोबल की जो है वो यहाँ तक डेफिनेशन है यहाँ तक क्लोजर तक, ये आपने डेफिनेशन इसकी याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि मेंटल डेंटिन में और जो हमारे पास सर्कमपल्पल डेंटिन है उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू है ये भी, इसमें क्या है कि हर फेस एपिथेलियल रूट शीट जो है वो इन्वॉल्व होती है इसकी फॉर्मेशन में और इसके जो आउटरमोस्ट लेयर होती है डेंटिन की फंडामेंटल डेंटिन द क्राउन डिफरेंशिएट ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है एमसीक्यू और एससीक्यू के लिए।
उसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शियरी डेंटिनोजेनेसिस आ जाता है। सो सेकेंडरी डेंटिन है वो इन्वॉल्व होती है इन द फॉर्मेशन, कब होती है आफ्टर द फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड, रूट कम्प्लीशन इज कम्प्लीटेड। और टर्शियरी डेंटिन जो है वो उस पर कोई इंजरी हो या कोई रिएक्शन हो तो उस तब प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तब होती है इसकी डिपोजिशन। सो डिपोजिट होती है, ये आपने याद रखना है कि स्लो पैटर्न है, लेस रेगुलर है, उसके बाद डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं टुगेदर, उसके बाद डेंटिन लेयर जो है वो थिकर होती है, इनर सर्फेस एरिया इसका रिड्यूस होता है, क्राउडिंग ऑफ द ओडोन्टोब्लास्ट इन डेंटिन आफ्टर सम, ये जो है इसका जो है टर्शियरी डेंटिन जो है ये इसका ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। इनके इसकी रैपिड डिपोजिशन होती है, ट्यूबुलर पैटर्न इसका जो है वो क्या होता है ग्रोसली और डिस्टॉर्टेड होता है, ये आपको बताना चाहिए। जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं आप वो भी देख सकते हैं, ये लाइंस आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो एससीक्यू है उसमें भी आपने ये वाली हेडिंग्स के साथ आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद आपने बताना है कंपोजिशन टर्शियरी डेंटिन की जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो हमारे पास आ जाती हैं प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन डीएसपी टीएमपी वन, ये अपीयर होती है डाउन रेगुलेटेड, ठीक है, वेयर एज बीएसपी एंड ऑस्टियोपोन्टिन ये जो है इस अप रेगुलेटेड, ठीक है। ये तो ये दोनों जो प्रोटीन्स के नाम लिखे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए कि अप डाउन रेगुलेशन कौन करवा रहा है और अप रेगुलेशन कौन करवा रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मेशन ऑफ रूट डेंटिन और पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन इसका जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओडोन्टोब्लास्ट फॉर्मेशन, ठीक है, ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यूज हैं, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, और बाकी जो है उसको एमसीक्यू के लिए आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। मैं पहले भी आपको बताया था कि डेंटिन पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन दोनों में से एक डेंटिन में से क्वेश्चन आता है, एक ट्वेल्थ में से क्वेश्चन आता है, और एमसीक्यू इसमें से ज़्यादा आते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। टेन केयर्स की लाइन्स ही अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो फर्दर एमसीक्यूज हैं वो मैंने एफ पेज पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और जो वीडियोस वगैरह हैं प्लेलिस्ट में इसकी अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख भी जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को आपका वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।